हेलो दोस्तों दोस्तों वीवो ने अपना और एक स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने अपना वीवो Y83 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। फाइनली फाइनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही स्मार्टफोन चाइना में कुछ दिनों पहले लॉन्च हुआ था। जी, और बिल्कुल बहुत ही साइलेंटली इंडियन मार्केट में इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि रिसेंटली ही वीवो ने अपना वीवो X21 फ्लैगशिप इंडियन मार्केट में बहुत धूमधड़ाके से लॉन्च किया था। जी, तो इस वीडियो में हम वीवो Y83 के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, इसकी प्राइस, अवेलेबिलिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, मेरा ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और ऐसे ही वीडियोस आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते थे। वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y83 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ये बिल्कुल ऑफलाइन स्टोर्स पे भी आ चुका है। जी, इस फ़ोन की प्राइस यहाँ पे रखी गई है 14,990 रुपीज़, यानी कि आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये। आप इस बात को ध्यान में रखना, आप इस फ़ोन के लिए 15,000 रुपये पे करने वाले हो, ताकि आप बिल्कुल यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको आगे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ फ़ोन के, तो बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में वर्थ है कि नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका डिस्प्ले दिया गया है यहाँ पे 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720 रेजोल्यूशन है, पिक्सल रेजोल्यूशन है। जी, यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है ये फुल व्यू डिस्प्ले है, यानी कि इसके ऊपर आपको नॉच देखने मिल जाती है। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है 19:9 और यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले दे सकते थे इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है आपको। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है और मुझे लगता है ये सबसे सस्ता फ़ोन है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आपको मिल रहा है, नॉच के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। जी दोस्तों, नॉच के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है, सेंसर देखने मिल जाता है और फ्रंट स्पीकर देखने यहाँ पे मिल जाता है। जी, अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको हेलियो का P22 का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, मीडियाटेक का है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है। कुछ ही दिनों पहले इसे लॉन्च किया गया था और वही प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी दोस्तों, यहाँ पे अगर हम रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें, तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट ही देखने मिल जाता है, वो है 4GB रैम और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला। हालांकि चाइना में 64GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च किया गया था। हालांकि बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसमें बिल्कुल आप माइक्रो SD कार्ड अलग से लगा के स्टोरेज को 256GB तक एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने नहीं मिलता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बैटरी के बारे में बात करें, तो इस फ़ोन में आपको 3260mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्विक चार्ज और फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करती है। यानी कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बैटरी बहुत ही कम दी गई है, मुझे डाउट है कि ये पूरा दिन चलेगी कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्विक चार्ज और फास्ट चार्ज भी नहीं मिलता है इस फ़ोन में इस प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर हम एंड्रॉयड के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो 8.1 देखने मिल जाता है, जो कि कंपनी के खुद के UI फ्रंट टच 4.0 के साथ आता है, जो कि अच्छी बात है। जी, अगर हम कैमरे के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कैमरा इसका हाइलाइटेड फीचर नहीं है, इसका हाइलाइटेड फीचर है इसका डिस्प्ले ही। जी दोस्तों, कैमरा के बारे में बात करें, तो इसमें आपको रेयर में 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिल जाता है, जो कि AI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और बिल्कुल यहाँ पे रेयर कैमरा के साथ आपको LED फ्लैश लाइट देखने मिलती है और बिल्कुल रेयर कैमरा का एपरेचर यहाँ पे 2.2 दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। जी, और यहाँ पे बिल्कुल उसका भी एपरेचर 2.2 दिया गया है। जी, यहाँ पे बिल्कुल AI टेक्नोलॉजी के साथ कैमरा साथ है, यानी कि बिल्कुल आपको इस कैमरा में भी ब्यूटी मोड्स देखने मिलने वाला है। जी, अगर हम बात करें बाकी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए सारे कुछ कॉमन फीचर्स तो दिए गए, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दो अच्छी बातें मिलती है, वो है फेस अनलॉक फीचर और फिंगरप्रिंट सेंसर।
जी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में मिल जाता है और फेस अनलॉक फीचर इसका बहुत ही एडवांस दिया गया है जी। दोस्तों सेंसर्स के बारे में बात करें तो सारे कुछ सेंसर्स इस फ़ोन में आपको देखने मिल जाते हैं। इस फ़ोन का वेट दिया गया है 150 ग्राम जी। अगर अब मेरा ओपिनियन आप सुनना चाहते हो तो आपको मैंने बहुत ही क्लियर में यहाँ पे जैसे मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता रहा था आपको मैं कुछ कुछ हिंट्स भी दे रहा था जी। यहाँ पे अगर हम प्लस पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका प्लस पॉइंट है इसका डिस्प्ले जो कि फुल व्यू डिस्प्ले, लेकिन वो डिस्प्ले भी माइनस में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और प्राइस रेंज की बात करें तो बिल्कुल इसका कॉम्पिटिशन रेडमी नोट 5 प्रो से होने वाला है। हालांकि अगर आप MI का A1 भी देखोगे तो उसमें भी आपको ड्यूल कैमरा देखने मिल रहा था बैक में जी, लेकिन इसमें आपको सिंगल कैमरा ही देखने मिलता है बैक में 13 मेगापिक्सल का, जो एक माइनस पॉइंट है इस फ़ोन का जी। बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम दिया गया है इस फ़ोन में जी। यहाँ पे क्विक चार्ज फास्ट चार्ज कुछ भी दिया गया नहीं है, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। इसका प्लस पॉइंट सिर्फ इसका डिस्प्ले है, फुल व्यू डिस्प्ले है, नॉच के साथ आता है कम प्राइस में, बाकी कुछ नहीं है इस फ़ोन में। तो मेरा ओपिनियन आपने आपको बिल्कुल पता चला होगा कि मैं बिल्कुल इस फ़ोन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। वीवो के अगर आप फैन हो तो सॉरी फॉर दैट, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा जी। तो सर ऐसे ही फैक्ट और ऐसे ही वीडियोस आगे पाने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बिल भी प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका दोस्त भी वीवो Y83 लेने की सोच रहा होगा तो डेफिनेटली ये वीडियो उसको दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।